प्रयागराज माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। मंगलवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बाहुबली पूर्व सांसद अतिक अहमद के सालू इमरान भाई के मकान को ध्वस्त कर दिया। करीब 2500 वर्ग गज जमीन पर खड़े इस मकान को गिराने के लिए सुबह पुलिस और प्रशासनिक अमला पहुंच गया था। पुलिस के मुताबिक इमरान भाई हिस्ट्री शीट रहे, उसके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं, वह फरार चल रहा है। गौरतलब है कि इसके पहले भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीड़ित अतिक और उसके कई गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। अतिक सालू इमरान भाई का मकान प्रयागराज के खुर्दाबाद के चकिया इलाके में बना था। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इसके पहले भी अतिक और गुर्गों की करोड़ों की संपत्तियां ध्वस्त की चुकी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि माफियाओं के खिलाफ प्रदेश सरकार की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है। इमरान भाई ने बगैर नक्शा पास कराए यह मकान बनाया था। आरोप है कि इमरान भाई बाहुबली अतिक अहमद के सभी काले धंधे और जमीन के कारोबार को संभालता है। वह उसके गैंग का सक्रिय सदस्य है, वह हिस्ट्री शीट रहे, उसके ऊपर दर्ज मामलों में कई गंभीर आपराधिक किस्म के हैं। फिलहाल वह फरार चल रहा है।